की दास्तां हमारे कोशगुजार की जाएगी। जहाँ अपना आज हम हजूर को आबे हजात की कहानी सुनाती हूँ। इस दास्तान में आपको सिर्फ दो ही बातें मिलेंगी, मोहब्बत ऐसी ताकत है कि हर दीवार गिरा देती है। दूसरी बात यह है कि चलने वाले एक न एक दिन मंजिल को पा ही लेते हैं। हलम का बाप रुखसाना और शहरजाद, जरीना और रुखसाना की एक ही दिन बारात आई। इससे पहले कि और उसी कमरे में दाखिल होती, उन्हें सामरी जादूगर उठा ले गया। क्यों? क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियां उठा ले जाने की थी। क्या हुआ? सामरी जादूगर अपनी हवस के खातिर पहले जरीना की तरफ बढ़ा तो उसने खंजर से खुदकुशी कर ली। अब वो रुखसाना की तरफ बढ़ा। रुखसाना डरी, सहमी और चीख कर अपनों को पुकारने लगी। शैतान, कमीने, दूर रहो। बेरहम इंसान, मुझ पे रहम कर। ये रहम क्या कम है कि सामरी तुझे अपनी मलिका बनाना चाहता है? दूर रहो, अगर मेरे नजदीक आया तो मैं दस लूंगी। हुस्न देने वाले ने हुस्न को रहम करना सिखाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। भाईजान, ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, मैं तो ये चाहता था कि ये यहाँ खुश रहे, नाचे गाए और जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजार दे। बचाइए, ये सांप मुझे डस लेना चाहता है। न जाने ये खूबसूरत लड़कियाँ मुझसे इतनी डरती क्यों हैं। भाईजान आप जाइए, मैं इसे समझा लेती हूँ। बात हो, बात हो। दिल बड़ा करो, अगर कि वो मेरा भाई है मगर मैं तुम्हें भी अपनी बहन समझती हूँ। तुमसे पहले कई लड़कियां आईं और उन्होंने खुदकुशी कर ली मगर सामरी के हाथ न लगी। उनकी तरह मैं भी जान दे दूंगी। जिंदगी की कदर करो और जहां तक हो सके जीने की कोशिश करो। तुम सामरी को किसी ऐसी उलझन में डाल दो कि वो तुम्हारे करीब ही ना आ सके। सबसपरी, ये समझी है या मैं खुद इसे समझाऊं? भाईजान, ये हाथ जोड़ती है, सांप इसे रखकर रहम मांगती है। और तुम्हें रहम आ गया? क्या करूं? मेरे सीने में भी औरत का दिल है। अब मैं उस दिल से काम लूंगा जो मेरे सीने में है। तुम जा सकती हो। भाईजान, इस पर रहम कीजिए। शब्द परी, सामरी की हस्ती को न भूलो। लेकिन ये कमजोर हस्ती। कमजोर है तो झुक क्यों नहीं जाती? सामरी के आगे जमीन झुकती है, आसमान झुकता है। मगर एक औरत की इज्जत नहीं झुक सकती। औरत जान देकर भी अपनी आबरू की हिफाजत करेगी। तुम भाई से बागी हो गई हो और बागी को सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ भाईजान, जाओ यहाँ से। तुम्हारी तमाम ताकत खींचकर तुम्हें पत्थर बना देता हूँ। देखा तुमने, सामरी अपने रास्ते के पत्थर यूं ही साफ किया करता है। बोलो अब तुम्हारा क्या इरादा? जब तुम अपने बहन को पत्थर बना सकते हो तो फिर मेरी हस्ती क्या है? तुम तो मेरे मालिक हो। और सामरी तुझे अपनी मलका बनाने की आरजू रखता है। सामरी अगर मेरी आरजू पूरी करे तो मैं कलीस बन जाऊं। कहो मलका, सामरी को गुलाम समझकर हुक्म दो, जमाने की खुशियाँ और दुनिया की दौलत तेरे कदमों पर ढेर कर दूं। मेरी जो सालगिरह आ रही है, मैं चाहती हूँ वही दिन मेरी शादी का भी हो। शादी? हाँ तुझे। रुखसाना, सालगिरह के दिन आज पहली बार मेरा खुदावंद इब्लीस मुझ पर मेहरबान हुआ है। रुखसाना वादा ना भूलना। या खुदा, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। फिर क्या हुआ? रुखसाना के सालगिरह आने से पहले वाकयात ने कुछ
ऐसी सूरत इख्तियार की कि हलम गरीब हो गया। हलम के वजीर कासिम का बेटा जलाल गरीबों के दर्द की दवा बना। दिल हूँ वतन की जबां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां। गाता चलूं साथ में फिर चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंदिर चले, साथ मंदिर चले, मुझे राहें दिखाती चले, बिजलियां मुझे राहें दिखाती चले, बिजलियां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां। हुस्न भी देख कर मुझको हैरान है, इश्क को मुझसे मिलने का अरमान है, देखो अरमान है, अपनी दुनिया कहूँ मैं हसी नौजवान, अपनी दुनिया कहूँ मैं हसी नौजवान, मैं गरीबों का दिल वतन की जबां, मैं गरीबों का दिल वतन की जबां। कारवां जिंदगानी का रुकता नहीं, बादशाहों के आगे मैं झुकता नहीं, मैं तो झुकता नहीं, चांद तारों से आगे मेरा आशियां, चांद तारों से आगे मेरा आशियां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबां, गरीबों का दिल है वतन की जबां, गरीबों का दिल है वतन की जबां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का कि जीना मुश्किल हो गया है। किसी गड़ी छालता है तो किसी की थैली निकाल कर गरीबों में बांट देता है, हम जाते हैं तो उसका हाथ तलवार के दस्ते तक पहुंच जाता है। मेरे नौकर को ना जाने क्या पढ़ाया है, कहता है कि गुलामी लानत है। हम उसे समझाएंगे, गरीब अमीर दोनों हमारी दो आंखें हैं। इस पे भी जलाल न समझा तो हम जहां पनाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो ना समझ है, जवानी ने उसे नादान बना रखा है, हम उसका नशा उतार देंगे,
आप इत्मीनान रखिए। शुक्रिया। जलाल अब्बा जान, आज फिर तुम्हारे सताए हमसे शिकायत कर रहे थे। अब्बा जान, उनका तो भेजा खराब है। तुम्हारा दुरुस्त है, किसी शरीफ की पगड़ी उछालते हो, किसी की दौलत का मजाक उड़ाते हो। इतने बादू ना फैलाओ कि लोग तुम्हारे करीब से गुजरते हुए डरने लगें। मैंने तो ऐसी कोई खास बात नहीं की, अब तो खामखा नाराज हो रहे हैं अब्बा जान। तुम क्या यही समझते हो कि दौलत वाले खुदा के बंदे नहीं होते? तो अब्बा जान, ये गरीब शैतान के बंदे हैं जिन पे अमीर थूकते हैं। ये गरीबों की गरीबी तुम्हें किसी दिन जेल भिजवाएगी। जेल हो या जहन्नम, दुनिया की कोई ताकत मुझे गरीबों की हमदर्दी से नहीं रोक सकती। अब्बा जान, तुम भूल जाते हो, अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो हुकूमत का नमक हलाल भी हूँ। तुम्हारी शिकायत अगर जहां पना तक पहुंची तो मुझे अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। वैसे तो मैं जहां पना को भी जवाब देने की हिम्मत रखता हूँ। गुस्ताख नमन, मैं बादशाह को खुदा की तस्वीर समझता हूँ। आइंदा अगर तुम्हारी कोई शिकायत हमारे पास आई तो हम बाप की बजाय वजीर बनकर पेश आएंगे। जाओ, जाकर खाना खाओ। तुम दो दिन से हमारे साथ खाना नहीं खा रहे, ये भी हमें शिकायत है। ये शिकायत है, वो शिकायत है, कुछ प्यार भी है या सिर्फ शिकायत ही शिकायत है? प्यार के लिए तुम जो हो। हुजूर, आपको जहाँ पनाह ने याद फरमाया है। चलो हम आते हैं। हर वक्त मेरे बेटे को डांटते रहते। देखो ना अम्मी, शाबाश बेटा, शाबाश। गिटार के अंदाज, तीर का निशाना और तलवार के हाथ तो कहते हैं कि तुम पूरी वलीहद बन चुकी। अब्बा हुजूर, मुझे भी खलीफा हारून रशीद की तरह रातों को रैयत का हाल अहवाल जाने की इजाजत दीजिए। बेटा, हमने तो दीवारों को ऊंचा करवा दिया ताकि महल के बाहर तुम्हारी नजर तक तो पहुँच सके, और तुम हो कि हमें बेहाल करके रैयत का हाल जानना चाहती हो। हमारे सीने के दाग तुम्हें दिखाई नहीं देते बेटा। तुम्हारी दो बहनें इन आल में जवानी में उठा ली गई थी, तो इसीलिए आपने मुझे इस सुनहरे पिंजरे में कैद कर रखा है। बेटा, हमारी सिर्फ एक ही नसीहत है, भूले से भी इस महल की चार दीवारी के बाहर कदम न रखना। हम इस बुढ़ापे में तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त न कर सकेगी। जहाँ बना वजीर कासम आए हैं। इजाजत है। अलफना, हमें इत्तला मिली है कि अजम का वली अहद 80 लाख दिनार की वसूली के लिए हर तरह तैयार होकर आया है। उसे जाकर समझाओ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द 80 लाख का कर्ज अदा कर दिया जाएगा। जहाँ पना, आप इत्मीनान रखिए, मैं बात बढ़ने न दूंगा। वजीर कासिम लाया 80 लाख दिनार। इसी के बारे में अर्ज करनी थी। नियत में कोई फर्क नहीं, सिर्फ वक्त साथ नहीं देता, वरना कब का कर्जा अदा कर दिया होता। वजीर कासिम, मैं अपने कान अपने वतन ही छोड़ आया हूँ। अब अजम और हलम की दोस्ती 80 लाख दिनार का कर्जा अदा कर देने के बाद ही कायम रह सकती, वरना मैं कमर से तलवार बांध कर आया हूँ। न हलम का जहाँ पना रहेगा, न जहाँ पना की हुकूमत। शहजादे, हम मजबूर हैं, इतनी जल्दी हलम की इज्जत नीलाम न करो। कम से कम 1 माह के अंदर अंदर जहाँ पना आपका सारा कर्जा अदा कर देंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। ताज, तख्त, महल, बाग, बगीचे, अपने प्यारी से प्यारी चीजें बेचकर भी हमारा कर्जा अदा कर दो, यही हमारा आखिरी फैसला है। मगर अब आप जा सकते हैं। तस्लीम। को
सीखी गए हम धाम से, तूने पिलाई ऐसी नजरों की जाम से, दिल गया जान गई, गए हम काम से, जी गए हम धाम से। नजरों ने देखी लाखों ही नजरें, तेरी नजर बस तेरी नजर है। नजरों ने देखी लाखों ही नजरें, तेरी नजर बस तेरी नजर है। दिन भी खोया दुनिया भी खोई, अपनी खबर है ना दिल की खबर है ना दिल की खबर है ना दिल की खबर है। लुट गए मिट गए तेरे ही नाम पे, दिल गया जान गई, गए हम काम से, जी गए हम काम से, तूने पिलाई ऐसी नजरों की जाम से, दिल गया जान गई, गए हम काम से, जी गए हम काम से। कहाँ जाती हो बेटा? नीलो मैंने कहा कहाँ की तैयारी है? मैं खलीफा हारून रशीद की तरह रैयत का हाल हवाल जानने के लिए जा रही हूँ। अगर अब्बा जान पूछे तो बात बिगड़ने न पाए। मैंने कहा सुनिए तो, मैंने कहा सुनिए तो शहजादी साहिबा। अजी मैं क्या कह रही हूँ सुनते हो? खुदा जलाल की उम्र दराज कर, अगर परसों वो कहीं से आना ला देता तो आज मेरा सुजैसा लाल और हम दोनों भूखे मर जाते। देख जरा सोचो तो, जलाल वजीर का बेटा होते हुए भी हम गरीबों के लाल है लाल। जुए ने हमारे घर को तबाह कर दिया, आज फिर तुम्हारे अब्बा जान कावर खाने चले गए। घबराओ नहीं माँ, जलाल उन्हें जरूर वापस ले आएगा। अब आखिरी दाव या अल्लाह, आज फिर लुट गया। जलाल खुदा तुम्हारा भला करे। जाइए अपने घर, आइंदा इस तरफ ना आइएगा। मेरा वार तेरा दिल किया है परपरा, तेरा दिल किया है परपरा, वो मरा आँखें कतार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परपरा, तेरा दिल किया है परा। मारा रे वो मारा,
राह दर्द सीने में दर्द फिर मेरे पीछे मारा मारा फिर मेरे पीछे मारा वो मारा आंखें कटार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा तेरा दिल किया है परा नौजवान मत भाल दिल को संभाल ओ दिल को संभाल दिल वाले ओ नौजवान मत भाल दिल को संभाल दिल वाले मारा रे वो मारा अलबेल चाल रेशम का जाल कर दिल में दर्द प्यारा प्यारा कर दिल में दर्द प्यारा वो मारा आंखें कटार देखा मेरा वाद तेरा दिल किया है पर परा तेरा दिल किया है पर ला 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 चुटकी बजा के दिल लूटू बिजली से बनक मैं टूटू चुटकी बजा के दिल लूटू बिजली से बनक मैं टूटू मारा रे वो मारा झूमू तो राग मचलू तो आग ये बात जान तारा तारा ये बात जान तारा वो मारा आंखें कटार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा तेरा दिल किया है परा परा वो मारा आंखें कटार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा तेरा दिल किया है परा हाल न जाने छोड़ दो अब मारा है इलाज कौन करेगा छोड़ कर दे छोड़ कौन बदतमीज हो तुम उस्ताद तमीज खान ये तुम जैसे बदतमीजों को तमीज सिखाने आए हैं हाँ मैं तुम दोनों को तमीज सिखा दूंगा जलाल जलाल ये उल्लू के पट्टे मुर्दा तुम्हारे गले डाल के और खुद मौत हो जा रहा हो गए चल उठाए से मैं मुर्दे नहीं उठाया करता अबे एहसान फरामोश मुर्दा नहीं जिंदा है और अगर हम इसे शाही हकीम के पास नहीं ले जाएंगे तो सच में मुर्दा हो जाएगा चल उठाए से नहीं मैं शाही हकीम के पास नहीं जाऊंगा अबे उल्लू तकल्लुक नहीं किया करते क्या मरने का ख्याल है चल मैं तुम आपके पास नहीं जाऊंगा क्या बात है हकीम साहब जल्दी से दवा दीजिए सख्त चोट आई है चोट चोट कहाँ लगी दिल पे हकीम साहब कभी कहता है यहाँ लगी कभी कहता है यहाँ लगी कभी कहता है यहाँ लगी जरा देखिए कहाँ लगी को समझ नहीं आ रही कपड़े उतारो उतारो जी नहीं 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 हेलो चोट कहीं नहीं लगी अरे बाबा चोट यहाँ नहीं सर पे लगी सर पे तो फिर पगड़ी उतारो चलो पगड़ी उतारो नहीं नहीं मेरी माँ मुझे कहती थी बुजुर्गों के सामने सर नंगा नहीं क्या करते तेरी माँ को मैं समझा दूंगा पगड़ी उतारो ये मेरा दवा खाना है या चिड़िया खाना झाड़ो ये जड़ी बूटियों का रस है इसे पी लो इंशाल्लाह दर्द अंदर ही अंदर गायब हो जाएगा अजी पीने वाला ही कहीं गायब ना हो जाए जब मुंह खोलो नहीं नहीं दवाई बहुत कड़वी होती मैं तो नहीं पीऊंगा तेरा बाप भी पिएगा नहीं नहीं मैं नहीं दवाई पीऊंगा क्या लड़कियों की तरह नखरे करता है अब दर्द जाता रहेगा ना दर्द रहेगा ना दर्द वाला अरे बेवकूफ ये तूने क्या किया इस दवा के पीने से मरीज को नींद आ जाती है नींद आ जाती है मुझे जल्दी घर जाने दो मुझे जल्दी घर जाने दो मुझे जल्दी घर जाने दो हालत में तुम्हें अकेले किस तरह जाने देंगे हम खुद घर पहुंचाएंगे तुम्हें आओ सरसू पालकी लाओ सरसू के लिए भी पालकी लाओ
सरकू के लिए पालकी सरकू। इतना बहुत बहुत शुक्रिया, इस बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल शोर न मचाना, नहीं तो अब्बा जान उठ जाएंगे, और उठ गए तो तेरे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। चल। चुपचाप चुपचाप मेरे पीछे चला, चुपचाप। दरवाजा बंद करो। अरे दरवाजा नहीं, साज है, अभी जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा अपने लिए। चुपचाप चला। तूने तो नाक में दम कर दिया, हजार मरतबा कहा है कि आवाज नहीं कर, लेकिन तू आवाज जरूर करेगा। मुसीबत, अबे खुराटे ले रहा है, पलंग मेरा है, तो सो गया ना, मुझे नींद नहीं आती। यहाँ सो जा, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। फिर गायब, फिर बदतमीजी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पानी नीलोफर, पानी पिलाओ। नीलोफर 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 नीलोफर। अबे गधे की तुम, मैं नीलोफर नहीं जलालफर हूँ। अब तो सोने देगा कि नहीं मुझे, नहीं तो मैं हमेशा के लिए सुला दूंगा। पानी पिला, पानी। पलंग के पीछे बड़ा पी ले, तू मरने का इरादा हो तो साथ वाले कमरे में चला जा। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लड़की? लड़की नहीं, शहजादी। शहजादी कहाँ की शहजादी, पानी की शहजादी? हम शहजादी हैं, हमारे वालिद हलम के पास। अरे चल चल, हमें सर्दी लगी है। जा कपड़े पहने, हमाम से बाहर निकलते ही दाएं हर चौथी अलमारी के चौथे खाने में जो जोड़ा पड़ा है ना, उसे पहन कर हमारे कमरे में आ जाओ। जा। Thank you.
मेरे सवाल का जवाब कि मैं कौन। अब तो मैं भी बता सकता हूँ कि तुम कौन। नहीं बता सकती। बता दिया तो? इनाम का। इनाम? तो अच्छी तरह देखने के बाद बताऊंगा। कलियों की शहजादी। निगाहें मिली और तुम मुस्कुराए, मोहब्बत हंसी और हम डगमगाए। और हम जगमगाए।
रात सोने जा रही और यह दिन जाग रहा। जिंदगी में पहली बार मैं ये महसूस कर रहा कि जिंदगी किसे कहते हैं। काश रात को बेड़ियां पड़ जाए और सुबह भी नासाजा शहजाद जहां पर ना फरमाती थी कि हमें जगाया न जाए और हकीम साहब को बुलाया जाए। बेटी जहां पर ना एकदम याक उतारने से कहीं हवा न लग जाए। तुम लोगों ने कल रात ही को हमें खबर क्यों नहीं की? हम खुद हकीम साहब से मिलते। शहजादी साहब, चलिए शहजादी साहब, तुम चलो हम आते हैं। शहजादी साहब कलियों की नहीं हलम की शहजादी। तो फिर कब अपनी रैयत का हाल जानने के लिए तशरीफ लाइएगा? कल जा नखली साहब में मुलाकात होगी। आइए आइए हकीम साहब तशरीफ लाइए। कहते हैं अभी अभी शहजादी की आंखें लगी। शिकायत क्या है? ये तो आप ही लफ्ज देख के बता सकते हैं। चलिए क्या बात है? बहन जल्दी से सो जाइए। शहजाद अब्बा हुजूर हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। हकीम साहब मगर इनकी क्या जरूरत थी अब्बा हुजूर? रात भर तुम्हारी तबीयत नासाज रही, तुमने हमें इत्तला तक नहीं की। हम तुम्हारी साथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर अब्बा हुजूर मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। जी हाँ, हम जानते हैं कि हकीम साहब की सूरत देखते ही तुम तंदुरुस्त हो जाया करती हो। हकीम साहब नफ्स देखिए। नहीं अब्बा हुजूर, जिद नहीं किया करते। नहीं अब्बा हुजूर। हाँ बदन गरम है। बदन गरम है? मेरी बेटी का बदन गरम है? जी हाँ, वो इसलिए कि रात को सो न सकी। नफ्स कह रही है जैसे ख्वाब में पानी में गिर गई हूँ। आप फिक्र न करें, मैं यकूती खमीरा देता हूँ, अल्लाह शफा देगा। नहीं अब्बा जान, दवाई कड़वी है। शहजाद नहीं अब्बा जान, फिक्र न करो। अभी तक जलाल नहीं आया। अरे आ जाएगा भाई, घबरते क्यों हो? देखो वो तो आ गया। और ये तो वही बात है, पकड़ लो। अरे जलाल के बदले हलाल, तो फिर हुआ अपना कमाल। हुजूर ये रहा उस जुआरी का साथी जो शेखी बगार रहा था। हम यहाँ इसकी शेखी निकाल देंगे। ओ, बहुत खूब। इस हुस्न और जवानी के सिवा सब चीज मांगे की मालूम होती है। चोर के घर से दौलत और भूखे की जेब से रोटियां निकल आए तो इसी का नाम खुशकिस्मती है। या खुदा, कहां मिली? क्या बाज रहा? तो काला खाने में जिस नौजवान ने तुम्हारी मदद की थी ना, उसे डाकू लोग पकड़ कर ले गए हैं। हाँ किस तरह? इस तरह। या खुदा, औरत की आबरू पे बिजली का पहरा रहता है। इनका आंधी का मुकाबला करेगा? सामने तो आ मिट्टी के शेर। मैं रेत की दीवारें गिराना जानता हूँ मगर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते। थोड़ा
शहजाद, ये क्या तमाशा है? कहाँ है शहजाद? यहाँ पर ना हमाम के लिए तशरीफ ले गई है। हाय हाय, हमाम के लिए? अभी बुखार तक नहीं उतरा और फिर पानी में। न जाने इसने हमारे लिए क्या सोच रखा है। हमाम से जब फारिग हो हमें फौरन इत्तला की जाए। हम अकीम साहब को बुलवाते हैं। नीलूफर, अब क्या होगा नीलूफर? फिर हकीम साहब, फिर याकूती खमीरा। आप हमाम से तशरीफ लाई हैं? बदन को गर्म करने के लिए सकूफे सुलेमानी ले लीजिए। नहीं 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 हकीम साहब, दवाई दवाई बहुत कड़वी है अब्बा हुजूर। नहीं शहजादी साहिबा, बड़ी मीठी है। नहीं अब्बा हुजूर। हुजूर? बिल्कुल सेहत। अम्मी जान, दवाई मीठी है। बहुत मीठी, बहुत मीठी। ले लो ले लो ले लो बेटा ले लो। रोज चांद सितारों से मिलने आता है, फिर मिलकर कहाँ जाता है? अपने शाही महल। मैं आसमानी चांद की बात कर रही हूँ। और मैं जमीन के चांद की बात बता रहा हूँ, जो रोज सितारे से मिलकर ईद के चांद की तरह इंतजार कराता है। लेकिन कब तक मिलने आया करेगा? जब तक दम नहीं दम है। ये चांद सितारे की जोड़ी हमेशा सलामत है। आमीन। लेकिन एक वजीर का बेटा एक शहजादी से सिर्फ मोहब्बत कर सकता है, शादी में। मैंने आज तक जो कुछ भी अब्बा हुजूर से मांगा है पाया है। मेरी खुशी में उनकी खुशी है। तो मैं भी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो मैं भी। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जगा नहीं करती। तुम एक हफ्ते से हमें धोखा दे रही हो, रात रात बाहर रहती हो, इसके क्या माने? मैं भी हारून रशीद की तरह रैयत का हाल जानने के लिए बाहर जाया करती थी। हम तुम्हारी जिंदगी के लिए पीर फकीर बना रहे हैं और तुम हो के अब्बा हुजूर, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ। अगर जलाल वक्त में मेरे और मेरे मौत के दरमियान ना आता तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाती। क्या हुआ था? अम्मी जान, शेर ने हमला कर दिया था। जलाल ने अपनी मौत को मेरे लिए आवाज दी, वो शेर पे टूट पड़ा और मुझे बचा लिया। जलाल कौन? हमारे वजीर कासिम का बेटा। हम तह दिल से उसके मनून है और उसकी बहादुरी पर इनाम देने की तमन्ना रखते हैं। वजीर कासिम के बेटे जलाल को कल दरबार में बाइज्जत हाजिर किया जाए। नाचूं रे गाऊं रे, नाचूं रे गाऊं।
गाऊं रे झूम झूम ओ सनम, मैं तो झूमूं तेरे प्यार में, मैं तो झूमूं तेरे प्यार में। बहके जाऊं तेरे प्यार में, नाचूं रे गाऊं रे, नाचूं रे गाऊं रे झूम झूम ओ सनम, मैं तो झूमूं तेरे प्यार में, मैं तो झूमूं तेरे प्यार में। करती हूँ तुझको शाम से, याद करती हूँ तुझको शाम से, चैन पाती हूँ तेरे नाम से, चैन पाती हूँ। हो चुके तेरे हम कैसे तुझसे शर्म, खोई जाऊँ तेरे प्यार में, नाचूं रे गाऊं रे, नाचूं रे गाऊं रे झूम झूम ओ सनम, मैं तो झूमूं तेरे प्यार में, मैं तो झूमूं तेरे प्यार में। तुमने जिस जिंदा दिली से हमारी नूर नजर शहजादी शहजाद की जान बचाई है, उसके लिए हम तुम्हारा एहसान मानते हैं। इसमें एहसान की कोई बात नहीं जहांपनाह, ये तो मेरा फर्ज था। बहादुर अपनी तारीफ यूं ही टाल दिया करते हैं, लेकिन शहजादी शहजाद ने तुम्हारी तारीफ कुछ इस अंदाज से की कि हमें रुतबा और इनाम देने की आरजू पैदा हुई। लेकिन फर्ज मुआवजा नहीं चाहता जहांपनाह। वो तुम्हारा फर्ज था, अब हमारे फर्ज की बारी है। बताओ तुम्हें किस इनाम की तमन्ना है? अगर जान बख्श की जाए तो अर्ज करूं। इनाम और जान बख्शी? तुम हमें बखील नहीं सखी पाओगे। बोलो, हम तुम्हारी जान की सलामती का वादा करते हैं। अगर आप इसरारी करते हैं तो शहजादी शहजाद की शादी मुझसे कर दीजिए। बदतमीज, गुस्ताख, बेअदब, ये हिम्मत, ये दीदा दिले। इसमें बेअदबी की क्या बात? आप ही ने तो कहा था कि हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने की तमन्ना रखते हैं। बकवास बंद करो। अगर जान बख्शी का वादा न किया होता तो सर से पहले तुम्हारी जुबान गलत कर दी होगी। वजीर कासिम, जहां बना गिरफ्तार कर लो। जहां बना, जहां बना, इनाम देने के लिए शेर का जिगर और हातिम का दिल चाहिए। कासिम,
शामिल हो। बात को क्यों लड़ाते हैं बेटे से? अगर हिम्मत है तो आप भी कर लीजिए ना मुझे गिरफ्तार। संभाली तलवार। जलाल जलाल कोई मुर्दा लाश नहीं जहाँ बना कि जो कोई चाहे इसे गिरफ्तार कर ले। रख दो तलवार। अब्बा जान हम इससे गद्दारी कर रहे हैं इसलिए कि तुम हुकूमत की नजरों में मुजरिम हो। हुकूमत मेरी नजरों में मुजरिम है। आप मेरे और हुकूमत के दरमियान पहाड़ न बनिए पहचान। अगर तुमने अपनी तलवार बुलंद की तो तुमसे पहले मेरी तलवार बुलंद होगी। बाप तुम्हें अपनी वफा का वास्ता देता है। फेंक दो तलवार। अगर तुमने अपनी तलवार न फेंकी तो मेरी ही तलवार मेरे सीने में होगी। फेंक दो तलवार खुदा के लिए, अपने बाप की इज्जत के लिए फेंक दो तलवार। जहां बना गुलाम ने हुक्म की तामील की, वजीर के फर्ज ने गुस्ताख को जंजीरें डाल दी, लेकिन बाप का फर्ज अभी बाकी है। बाप का फर्ज? कैदी मेरा बेटा है, अपने घर में एक ही चिराग है जहां पना। वो चिराग जो दूसरे के घर को फूंक देने की सोच चुका हो उससे बुझा देना, दानिशमंदी है। जहां पना मैं फरियादी हूँ। इसीलिए कत्ल का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, इसे शहर बदर किया जाए। आलम पना शायद ये दाग मुझे कब्र में पहुंचा दे। हमारे हुक्म की तावील हो। जो हुक्म जहां बना। चलो बेटा। यहां से शहर हलम की सरहद खत्म हुई। अब सुन लो शाही फरमान। जलाल इब्ने वजीर जाफर को हकूमत हलम की तरफ से शहर बदर का हुक्म सादर फरमाया जाता है। मुजरिम अगर दोबारा सरहद के अंदर देखा गया तो तख्तदार भी लटका दिया जाएगा। बहुकुम सुल्तान इब्ने सुल्तान शाह हलम। सुन लिया? जी अब्बा जान। अगर कानून को मुर्दा समझकर सरहद के अंदर किसी भी गरज से कदम रखा तो जिंदगी गवा बैठोगे। आपने अपना फर्ज पूरा किया है अब्बा जान, मुझे मेरे फर्ज से मौत भी नहीं रोक सकती। जहां तक हो सके कानून के दांतों से बच के रहना, यही मेरी नसीहत। खुदा तुम्हारा मुहाफिज रहे। मुझे माफ करना, मैं गुलाम। खुदा हाफिज। शहजादा अकील वली अहद अजम तशरीफ ला रहे हैं। वाली हलम की खिदमत में आदाब। खुश आम। शहजादी शहजाद की वालदा मुआजिदा। आदाब। उम्र दराज। और आप हैं हमारी दुख्तर नेक अख्तर शहजाद। तस्लीम। आप लोगों से मिलकर रूहानी खुशी हासिल हुई। आलीजा, इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन अब मेरे लिए क्या हुक्म? हमें आपके आने का मुद्दा मालूम है शहजादी, लेकिन मुल्क की हालत ने इजाजत ही नहीं दी। क्या हम 80 लाख दिनार की रकम अदा करते थे? हम वलीअहद हैं, सौदागर नहीं, जो तकाजे के लिए आते जाते रहे। शहजादी का हाथ दे दीजिए। ये रिश्ता अजम और हलम के बिगड़ते हुए ताल्लुकात को दोस्ती में बदल देगा। तो बड़े फख्र के साथ, लेकिन झिझक किस बात की है आपको? शहजाद की दोनों बड़ी बहनें ऐन बारात के दिन गायब हो चुकी है। नजूमियों का एक ही फैसला है कि उन्हें उठा कर ले जाने वाला कोई बहुत बड़ा जादूगर। ऐसे जादूगर का इलाज मेरे पास है।
नहीं नहीं शहजादे, दो बार नसीब रुला चुका है। आलीजा, मेरी तलवार चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर देगी कि जादूगर तो क्या शहजादी तक बाहर की हवा भी ना आ सके। फिर भी शहजादे के कानों तक इस बात का पहुंचाना जरूरी। शहजादी साहबा, शादी मुबारक हो। मुझे ऐसी शादी से नफरत है। जलाल 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 सर्दो, क्या बात है, क्या हाल? बहुत बुरा हाल है, सबर करना, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या बात? शहजाद की शादी अकील से तय पा गई है। आदाब कबूल फरमाइए। मैं दस्त बोसी का शर्त हासिल कर सकता? मैं इस आदाब को अपने लिए शराफत से गिरा हुआ समझती हूँ। मैं सोचा कि आपकी तन्हाई को दूर किया जाए, इसीलिए मैं बगैर इजाजत के चला रहा। आप तशरीफ ले जाइए। शायद आप वाकिफ नहीं कि 80 लाख दिनार के कर्जे में आपके अब्बा हजूर मुझसे आपकी शादी कर देना मंजूर कर चुके हैं। माफ कीजिए, ये अंगूर हर एक के लिए मीठा नहीं हो सकता। शहजादी साहिबा, इन मीठे होंठों से कड़वे अल्फाज इससे किसी शरीफ मेहमान का दिल टूट जाएगा। मैं इस वक्त तखिया पसंद करती हूँ। कुछ हमारी पसंद का भी ख्याल कीजिए। दूर रही मुझसे। आपके तेवर तीर बनकर जिगर जख्मी कर रहे, पैमाने में तो सिर्फ शराब ही होती, लेकिन आज पता चला कि तेजाब भी हो सकता है। बकवास बंद कर। आपकी इन धमकियों की कसम, गुस्से और प्याजी रंग ने मिलकर आपको गुलाब की पत्ती बना दिया, और इन शराबी आंखों ने शराबी कर दिया है मुझे। नशे में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो शराबी समझ कर माफ कर दीजिएगा। तुम फिर आ गए। शुक्र है, ठीक वक्त पर आया। शाही महल में इतनी जुर्रत? हाँ, मैं भी एक शराबी हूँ, और नशे में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो बिल्कुल माफ न करना। हम मौत के बाद माफ कर दिया करते। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो यूं बरसते। शहरदार जला जला, अम्मी आ रही है, जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी कसम जला, जल्दी से जाओ यहाँ से। शहजादे की ख्वाबगाह में उस आवारा का दाखिल होना मेरी नहीं, आपकी तौहीन। तुमने अपने जहां बना से गद्दारी की है। हमारे फरमान को एक बेवा की आस समझकर तुमने बेटे से वफादारी का सबूत दिया। जहां बना, अगर मुझे ये मालूम होता कि 40 बरस की वफादारी के बाद मुझे इनाम में गद्दार का खिताब दिया जाएगा तो मैं जरूर गद्दारी करता। अगर तुमने शाही फरमान की ताबील की है तो जलाल दोबारा हलम की सरहद में कैसे दाखिल हुआ? जहां पना, अगर वो अपना सर हथेली पे रखे कफन बांध कर चला आया है तो कसूर बाप का नहीं ना उसकी वफा का है। अगर तुम वफादार हो और हमारे नमक का कुछ भी पास है तो 12 घंटे के अंदर अंदर जलाल गिरफ्तार हो जाना चाहिए। जहां पना, अगर ये भी आपका इरशाद है तो इसकी भी तामील की जाएगी। अच्छा अम्मी, मुझे इजाजत दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अब जान मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे अम्मी। मैं तुम्हें छुपा लूंगी मेरे बेटे, मैं तुम्हें छुपा लूंगी। तुम चुप रहो जी, तुम्हारी हमदर्दी इसकी मौत का बहाना बन गई है। अब्बा जान, मौत तो जलाल की जेब में रहती, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हुकूमत आपकी वफादारी का नाजायज फायदा उठा रही। मैं हुकूमत के हाथ में तलवार हूँ और तलवार का काम है चलना। आप मेरे जनाजे से गुजरकर जलाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून के मुंह न लगो जी, कानून अंधा होता है। जो भी मेरे फर्ज से टकराएगा मैं उससे टकरा दूंगा।
आप अगर हुकूमत की तरफ से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। यही सबक आपने मुझे भी सिखाया है। हमारी तलवार जब न्याम से निकलती है तो हर मुश्किल आसान करके न्याम लेती है। मैंने भी तलवारों से खेलना आप ही से सीखा। मुकाबला करोगे हुकूमत का? अगर आपको वफा प्यारी है तो मुझे जिंदगी से मोहब्बत है। तो संभालो तलवार, तुम्हारे दिल में कोई अरमान न रह जाए। बेटा हमेशा बाप की इज्जत करता आया है और करता रहेगा। मैदान जंग में उतरने वाले बाप बेटे का रिश्ता मैदान जंग के बाहर छोड़ के आते हैं। या अल्लाह, क्या यही दिन देखने के लिए तूने मेरी गोद भरी थी? या अल्लाह, इन पर रहम कर, मेरी जान हाजिर है। बाजू ढीले ना करो जलाल, तलवार को आंखें नहीं होती, वो ये नहीं देखेगी कि बेटे के सीने से तार हो रही है। ये तो आपकी जिद है बाजान, आप तो जान चुके हैं कि तलवार से मेरी गिरफ्तारी इतनी आसान बात नहीं। मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा लेकिन वफा पे हर्फ ना आने दूंगा। तो लीजिए, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए, मैं अपनी जान आपकी वफा पे कुर्बान करता हूँ। सिपाहियों, जालिम न बनिए, मेरे होते हुए जलाल के साथ ये सुलूक छोड़ दीजिए, खुदा रा छोड़ दीजिए। हट जाओ, छोड़ दीजिए। गिरफ्तार कर लो। ठहरिए ठहरिए, छोड़ दीजिए, मेरी खाली झोली पे कर्म कीजिए। मैं नहीं, माँ के आंसू आपसे बेटे की भीख मांगते हैं। माँ के आंसू मुझे नमक हराम नहीं बना सकते। मेरा सर, मेरी जान, मेरी हर प्यारी से प्यारी चीज जहां पना के लिए है, क्योंकि मैं उनका गुलाम। चलो ठहरिए ठहरिए ठहरिए, जलाल मेरे बेटे, जलाल। इकबाल बुलंद, मुजरिम हाजिर है। शाबाश, आज वफा भी तुम पर नाश कर रही है। जहां पना, ये रहा शाही कमरबंद। वफा का भारी बोझ शायद अब मुझसे ना उठ सके। मेरे सीने में इतना जालिम दिल नहीं जितना हजूर समझते हैं। हम तो तुम्हें इनाम देने की सोच रहे थे, और इसलिए कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, अपने लखते जगर को फांसी के तख्त पे ला खड़ा किया। जहां पना, अगर आप मुझे इनाम ही देना चाहते हैं तो मेरी वफाओं के सिले में मुझे जलाल बख्श दीजिए। इसे बख्श दिया जाए जिसने हमारी इज्जत पर हमला किया, जिसने शाही फरमान को ठुकराया। इसके लिए हम सजाए मौत का हुक्म सादर फरमाते हैं। उठाओ शाही कमरबंद और कमर बांधकर अपना फर्ज पूरा कर डालो। गुलामी मुख्तार है जो बाप बेटे के सीने में भी मार सकता है। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अजम से हलम तशरीफ ले आना हमारे और हमारी सल्तनत के लिए बाइस फख्र है। काश हमारी बेटी आपके जेरे साया शहजादा आकिल के गुलामी में। आप जिस खतरे का हवाला देना चाहते हैं हम उससे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन खुदा ने हर मुसीबत का हल और हर जादू का तोड़ पैदा किया है। आप शादी का ऐलान कर दें, शहजादी की हिफाजत का जिम्मा हमारा। आजा है तेरा
सितम है आजा सुन एक जान मेरी और लाख सितम है लाख सितम है आजा सुन एक जान मेरी हमें खबर मिली है कि तुम्हें अपने होने वाले शोहर से नफरत है। नफरत अगर जुर्म तो मैं हाँ कहती। बेटी हमने अपनी हुकूमत अपने वकार और अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी शादी का वादा किया है। आपने मुझसे भी तो वादा किया था कि तेरी खुशी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। जो तू नहीं चाहती वो तेरी तकदीर चाहती है बेटा। अगर तकदीर मेरा गला घोट देना चाहती है तो मैं अपनी तकदीर की तकदीर बनकर उसका गला घोट दूंगी। शहजाद हमारे उस वादे का तो ख्याल करो जो हमने भरी महफिल में शाह अजम से किया है।
हमारी हाँ को ना से न बदलो। अगर आप हाँ को ना से बदलती तो क्या होगा अब्बा से? कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, ये शहर उजड़ कर पुरानी कब्र की तरह वीरान हो जाएगा, और फिर हम कर्जदार भी तो हैं, किस मुंह से ना कह दें। तो कर्ज के सूद में बेटे का डोला देना चाहते? शहरदाद, हमें इतनी दूर से ना देखो कि हम तुम्हें बाप के बजाय कसाई दिखाई देने लगे। एक आंख से हमारी मजबूरी और दूसरी आंख से हलम की तबाही देखो, और अगर तुम ये चाहती हो कि हलम की हर औरत बेवा और हर बच्चा यतीम हो जाए तो लाओ। अगर आपकी इज्जत हलम की बर्बादी मेरी कुर्बानी से बच सकती है तो आप मुझे जिस जहन्नम में धकेल देंगे मेरे चीखने सुनेंगे अब्बा हुजूर। मैं मजबूर हूँ बेटा, मजबूर हूँ। शहजादा अकील इब्ने सुल्तान अज शहजादी शहजाद बिन्त वाली हलम को बाइवज में 80 लाख दिनार के तुम्हारे अक्द में दिया जाता है, कबूल है? कबूल है। आपको वली अहद अजम शहजादा अकील कबूल है? कबूल है, कबूल है। को अपना घर समझो। दूर रह मुझसे, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। नफरत भी मोहब्बत की एक सीढ़ी है, खूब नफरत करो, हम तुम्हारी नफरत को मोहब्बत समझते हैं। कमीने, अपनी नापाक जबान से मोहब्बत का नाम न ले। हम नापाक? हमारी जबान नापाक, हमारा दिल नापाक, और दिल की आरजू नापाक रही। अगर तुम सीने से लग जाओ तो सब कुछ पाक हो सकता है। कमीने शहजाद, इस वक्त तुम अपने आप में नहीं हो, कल सुबह तक सोचने का मौका देता हूँ, अगर तुमने ना कर दी तो नेस्तनाबूद कर दूंगा, और अगर हाँ कर दी तो सामरी अपनी गुलामी की तहरीर लिख देगा। हमारी बहन सरीना तो मर चुकी है। शहजाद, मैंने चालाकी से आज तक अपने आप को बचाए रखा है, तुम भी अकल से काम लो और उसे किसी चक्कर में लाकर अपने आप से दूर रखो। हमारी मदद वही करेगा जो बादलों में बिजली बनकर रहता है। शहजाद, बादल।
आपके तुमने मेरी गोदी खाली कर दी और सुहासी छीन लिया। मलिका, हमें ये मंजूर नहीं था। हकीम साहब, कोई तदबीर कीजिए। डूबी हुई नब्ज उभर आई तो मुँह मांगा इनाम दूंगा। बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है आलमपना। फिर किसके पास है? आबे हयात, एक माह के अंदर मिल जाए तो। आबे हयात कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? आबे हयात का लाना खेल नहीं, मौत को दावत देना है। वजीर कासिम, जहाँ पना, ऐलान कर दिया जाए आबे हयात और शहजादी का लाने वाला हमारी सल्तनत का हकदार होगा। जो हुक्म अल्पना। इंतजार किस बात का है दारोगा साहब? हम मौत के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। दस्तूर के मुताबिक। जलाल, जलाल, तुझे मेरी गोद से कोई नहीं छीन सकता। छोटे खुदा के खौफ से डरो, जमीन फट पड़ेगी, आसमान टूट पड़ेगा। एक माँ की आहें तुम्हें जला कर खाक कर दूंगी। छोड़ दो मेरे जलाल को, छोड़ दो जलाल को, जलाल, जलाल। हर खास आम को ये ऐलान बड़े अफसोस से सुनाया जाता है कि हजूर शाह आलम पनाह को बेहोशी का दौरा पड़ चुका है। आबे हयात ही एक ऐसा इलाज है जो उन्हें उनकी जिंदगी वापस दिला सकता है। जो भी कोई गुमशुदा शहजादी शहरजाद और आबे हयात लाएगा उसे इनाम में अजम की सल्तनत बख्श दी जाएगी बहुक्म शहनशाह अजम। साहब, मुझे किस्मत आजमाई का मौका दिया जाए। नहीं, तुम एक कैदी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस मकसद में जरूर कामयाब रहूंगा। ये ऐलान कैदियों के लिए नहीं। कैदी इंसान नहीं। तुम्हें सजाए मौत मिल चुकी है। लेकिन आप बेहद नाना भी तो मौत से जंग करना है। मैं इंतजार करता हूँ कि मुझे शहनशाह हुजूर के सामने पेश किया जाए। नामुमकिन। हाँ हाँ, जलाल को मौका दो। जहाँ पना, ये वही मुजरिम है जिसे सजाए मौत दी जा चुकी है। ये आबे हयात और गुमशुदा शहजादी को वापस लाने की तमन्ना रखता है। हमें ये सुनकर खुशी हुई। जहाँ पना, मालूम होता है कि कैदी मौत। आबे हयात लाना मौत से भागना नहीं, उल्टा मौत को दावत देना है। क्या सबूत है कि तुम आबे हयात लेकर वापस आओगे और वो भी एक माह के अंदर अंदर? जहाँ पना, जलाल की वापसी तक मैं अपने आप को बतौर जमानत पेश करता हूँ। तुम? ये लड़का तुम्हारा कौन है? जहाँ पना, जलाल मेरा चांद है, मेरा लखते जिगर। और मैं बदनसीब बेटे की, बदनसीब माँ होने की इजाजत फरमाइए। मैं इंसाफ तुम्हारा कैद में रहना पसंद नहीं करता। मैं इनकी खिदमत को अपना ईमान समझती थी। मुझे अपनी आकबत संवारने के लिए कैद में इनके साथ रहने की इजाजत फरमाई जाए। आपको अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत है। आपकी करम नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजरिम को आबे हयात लाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन एक शर्त है। मेरे वालिदैन की सलामती का वादा कीजिए। हम वादा करते हैं। जलाल, मेरे बेटे। रुखसत अब्बा जान, तुम्हारी हिफाजत करें। खुदा के सुपुर्द, अल्लाह निगहबान हो। अब्बा जान, सल्तनत का असली वारिस मैं हूँ। मेरे होते हुए आप उसे इस तरह नहीं लुटा सकते। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम दोनों काम कर सकते, किसी खैर को कौर न देना पड़ता। हमारी गर्दन मुजरिमों की तरह न झुकती। आपकी ही इजाजत का इंतजार था। मैं तो कब से कमर बांधे तैयार खड़ा हूँ। नहीं बेटा, तुम पर ऐसी हजार सल्तनत से कुर्बान, माँ तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगी। नहीं अम्मी जान, ये हमारी इज्जत का सवाल। मैं शहजादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लड़ा दूंगा।
मुकद्दस बाबा, मुझे बताइए कि आबे हयात कहाँ मिलेगा। बेटा ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे लाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है बेटा तो जाओ। कोकात के पहाड़ों के पीछे दरियाए नील के किनारे पुराने खंडरात हैं। उन खंडरात से आगे मगरिब की जानेब तुम्हें नेकी बदी के दो दरवाजे दिखाई देंगे। सोच समझ कर दाखिल होने पर मंदिर को जरूर पाओगे। आपका लाख लाख शुक्र मुकद्दस बाबा। बाबा हमारे लिए दुआ करो ताकि हम जल्दी जिंदा वापस आ सकें। अल्लाह तुम्हारा निगेबान हो। सामरी तस्लीम करता है। ओह हम भी तस्लीम करते हैं। अरे मलका हुस्न अपने गुलाम सामरी को तस्लीम कह रही हैं? जी हाँ, रुखसाना ने बताया है कि आप बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं जमीन को फाड़ सकता हूँ, सूरज को आसमान से नोच सकता हूँ, दरिया को पी सकता हूँ और पहाड़ों को हवा में रुई की तरह उड़ा सकता हूँ। आप इतनी बड़ी ताकत रखते हुए एक औरत का दिल नहीं जीत सकते। अफसोस है, बस यही एक जादू है जो मुझे नहीं आता। वो मैं सिखा दूंगी, मगर सीख के करोगे क्या? सबसे पहले तुम्हारे दिल पर कब्जा कर लूंगा। मेरे दिल पर तो कब्जा हो चुका है। सच कह रही हो? इस चांद की चौधरी को मैं शादी करूंगा। शहजाद मैं खुशी से मर जाऊंगा। तुम हजार वर्ष मरे हमारे दुश्मन। शहजाद तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, जो शादी से पहले हाथ लगाओ। तेरी मोहब्बत की कसम, अब तो चांद की चौधरी को ही मुलाकात होगी। जलाल भाई, जलाल जो है सरबू, क्या बात है? भूख लगी है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सरपू क्या करते हो? खट्टे मीठे अनार हैं। के जादू की दुनिया है, गड़बड़ हो जाएगी कुछ। अरे भाई गड़बड़ होगी तो मेरे ही पेट में होगी ना। करो किसी माँ को याद। जंजीर कैसी? जरूर किसी बादशाह का खजाना निकलेगा। देख जलाल, वो तराजू वाला इंसाफ ना करना, आधा तेरा आधा मेरा। अरे सारे तू। अरे वाह मेरे दोस्त, मुझे आज यकीन हुआ कि तू मेरा जिगरी दोस्त है। माँ दादी अम्मा कौन हो तुम? क्या बताऊं बेटा, सामरी जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। जादूगर? 40 बरस हुए इसी हाल में मैं बेहाल हूँ। मेरी रिहाई किसी
आदमजात से हो सकती थी। तुम्हारा एहसान होगा, मेरी जंजीरें काट दो। माँ, परी? हाँ, मैं यहाँ की एक परी हूँ। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, मेहमान बनकर एक एहसान और कर दीजिए। लेखी और पूछ पूछ, आप कितनी समझदार परी। तो चलिए चलिए। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन मैं आपकी कुछ खिदमत न कर सकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ इनाम दीजिए। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। कुछ तुम भी बोलो। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, खुदा मेरी मदद करने वाला है। फिर भी कुछ कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं आबे हयात और शहरजाद की तलाश में निकला। जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम्हें सामरी जादूगर से टक्कर लेनी होगी। मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, जल्दी से मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। अच्छा, ये जिन तुम्हारे साथ किए देती हूँ, इसके इख्तियार में सिर्फ इतना ही है कि ये तुम्हें सामरी की बहन सब्ज परी की सरहद तक पहुँचा देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हमें वहाँ कैसे ले जाएगा? तुम इस पे सवार हो जाना, ये तुम्हें ले उड़ेगा। सुभान तेरी कुदरत, ऊँट की सवारी से तो डर लगता है, अब मुझे जिन ले उड़ेगा। भाई, मेरे लिए उड़न खटोले का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं कुवारा ही मर जाऊंगा। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो जिन तुझे ही उड़न खटोला बना देगा। चल चल चल, अब तुम जा सकते हो। नेकी बदी के यही दो दरवाजे हैं जो मुकद्दस बाबा ने बतलाए थे। आओ मेरे साथ। ये अपनी मौत से सवाल कर जो तुझे यहाँ लाई है। लेकिन मैं तो बेगुनाह हूँ। जो भी सामरी की सरहद में दाखिल होता है, जिंदगी वापस लेकर नहीं जा सकता। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं अपने आका सामरी से गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपने आका सामरी के लिए ही छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जान लेने के बाद। उतर जाओ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तुम आगे नहीं जा सकते, मैं नीचे नहीं उतर सकता। अरे सर, तू उतर जा, नाराज हो जाएगा, जिन है जिन। ये तो गधा है। लगाम तो मेरे हाथ में है जलाल भाई। उतर जा मेरे भाई, मैं जलाल को जादू पिन देता हूँ। इधर से बचाओगे तो जादू असर उड़ जाएगा, और इधर से बचाओगे तो सुनने वाले नाचने लगेंगे। हा
तुम जा सकते हो, हम तुमसे बहुत खुश हुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो है घंटा, उसे बजाते ही दोनों दरवाजे खुल जाएंगे। शुक्रिया वहां नहीं, यहां। खोल दो मुझे, खोल दो। ये क्या कर रही है? खोल दो मुझे, खोल दो। जलाल, 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 पुलिस साहब से बचाओ, बचाओ, जलाल, जलाल बचाओ, जलाल, अरे भाई मुझे बचाओ, जलाल, जलाल। सांप अगर सांप को डस भी लेगा तो जहर का असर किसी पर भी होने वाला नहीं, मरने दो। मोहताज की मदद करना इंसानियत। ये मोहताज नहीं पाजी है, अरे मरने दो। जरूर जाऊंगा। अरे याद रखो, आंवले का मजा बुजुर्गों का कहना बाद में बता देता है। शुक्रिया। कौन है तुम? एक इंसान। और भी कुछ? क्या? जादू है। मेरी आंखों में आंखें डालकर न देख, मैं पत्थर हूं। मेरी आंखें इतना ऐसा है कि पत्थर पिघल ही जाएगा। मैं उस मंजिल का मुसाफिर नहीं जिसका तुम समझ रही हो। समझदारी से काम लो, परी पांव पड़ेगी। मैं अकील की तरह ना समझ नहीं, जिसे तुम मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लिया था। क्या करूं, बुरा हो मोहब्बत का, जादूगर ने कहा तेरा जादू चल गया। जादू दूर जाने वाले करीबा मैं नहीं, मेरा दिल तुम्हें आवाज दे रहा है। मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, चाहे ले ले, चाहे ले ले, एक प्यार जरा सा दे दे, ओ एक प्यार जरा सा दे दे, ओ मेरा दिल मेरी जान, चाहे ले ले, चाहे ले ले, एक प्यार जरा सा दे दे, ओ एक प्यार जरा सा दे दे, ओ दे 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 दे, ला 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 ला। ये पहली पहली चाहत, ये बहकी बहकी हालत, ये पहली पहली चाहत, ये बहकी बहकी हालत, तू फूल है मैं हूँ रंगत, तू फूल है मैं हूँ रंगत, ये धूमी धूमी जन्नत, ये धूमी धूमी जन्नत, प्यार की ये परी, प्यार की ये परी, तेरे दर पे खड़ी, आई धर आओ जादूगर, आई धर जादूगर, मतवाले मतवाले, लाई इश्क की दुनिया दे दे, लाई इश्क की दुनिया दे दे,
मेरा दिल मेरी जान चाहे ले ले चाहे ले ले एक तो प्यार जरा सा दे 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 एक तो प्यार जरा सा दे 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 la 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 अनमोल खुशी की लड़ियां मुश्किल से मिले ये घड़ियां अनमोल खुशी की लड़ियां मुश्किल से मिले ये घड़ियां ला 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 दो रोज के ये अफसाने दो रोज के ये अफसाने कल क्या हो खुदा ही जाने कल क्या हो खुदा ही जाने मेहरबान नौजवान मेहरबान नौजवान ये समा फिर कहाँ जाने मन मेरा बन जाने मन मेरा बन अलबेले अलबेले तू झूम के हाथों कहते ओ तू झूम के हाथों कहते ओ मेरा दिल मेरी जान चाहे ले ले एक प्यार जरा सा दे 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 एक प्यार जरा सा दे दे ओ दे 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 ला 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 ये रात का फैला दामन हर सारा दिल की धड़कन ये रात का फैला दामन हर सारा दिल की धड़कन ना ताज हुकूमत मांगू ना ताज हुकूमत मांगू मैं तुझसे मोहब्बत मांगू मैं तुझसे मोहब्बत मांगू चांदनी रात है चांदनी रात है तू मेरे साथ है ये जहाँ है तेरा ये जहाँ है तेरा दिल वाले कदमों में जगह ही दे दे वो कदमों में जगह ही दे दे वो मेरा दिल मेरी जान चाहे ले ले एक प्यार जरा सा दे 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 एक प्यार जरा सा दे दे ओ दे 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 जवानी जवां मौसम तुमसे भीख मांग रहे हैं बाहर को यार बना ले आंखों में आंखें डालकर पी और मस्त बन जा मैं तो पहले ही वो मस्त हूँ जिसे मस्त भी मस्ताना कहते हैं मस्ताना फिर देर किस बात की लेकिन मैं उस जमीन पर चलने का आदि नहीं जिस पे पांव फिसल जाते हैं सितंकर मुझे ना ठुकरा जिस तरह कागज के फूल खुशबू से खाली होते हैं उसी तरह तेरी बातें असर से खाली हैं चला मेरे गुस्से को न जगाओ तुम चाहो कि किले को कटार से फतह कर लो तो तुम्हारी बेअकली तुम ये ना भूलो कि औरत बिगड़ती है तो बहुत कुछ बिगाड़े बहुत खूब बहुत खूब ऐसे ख्वाब तो मैं भी देखा करता हूँ सर वो चलो साहब की दुनिया से कहीं दूर चले चले मुझे झटक के जाओगे तो पछताओगे मैं वो चिंगारी हूँ जिसके सीने में शोले छुपे रहते हैं लेकिन तेरे शोले इस पत्थर को नहीं जला सकते मैंने कहा था वर्दे अगर मुझे खिदमत का मौका दो तो काम आऊंगा लेकिन तुम भी आदमजात हो हूं तो आदमी लेकिन बड़े काम का आदमी दोस्त बन के दगा देता हूं
पीतल हूँ लेकिन सोने के भाव दिखता हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे दुश्मन के पास शरबत बनकर जाऊं और जहर का काम करके आऊं। बड़े काम के आदमी मालूम होते हो। इसमें क्या शक। आओ मेरे साथ। वाह वाह, अगर इस संगमरमर की पुतली को कहीं जबान मिल जाती तो हम इस बुलबुल से जरूर पूछते कि बता तुझे पत्थर किसने बनाया। जलाल, ना जाने इस वीराने में मुझे मेरी माँ क्यों याद आ रही है। मैं तुझसे बजा अपना दिल बहला। इसके बजाने से मेरी माँ थोड़ी मिल जाएगी। अच्छा, तो अपनी माँ का तसव्वुर कर, मैं बजाता हूँ। जादूगर की बहन। Thank you.
कहना भी मुश्किल रहना भी मुश्किल कुछ भी कहा न जाए कुछ भी कहा न जाए उनसे झुक झुक जाए नजर शर्माए कुछ भी कहा न जाए कुछ भी कहा न जाए कुछ भी कहा न जाए किया जाता है जानता तो नहीं लेकिन समझ सकता हूँ उसमें जब मेहरबान होता है तो नचाने के बजाय खुद नाचने लगता है इसका मतलब है उसने फतेह पा लिया लेकिन इस जुए में जो जीतता है वही हारता है मैं तो रूह तक हार चुकी हूँ मेरी दिली आरज़ू यही है कि मैं जिंदगी भर के लिए आपकी कनीस हो जाऊँ और मेरी क्या आरजू है जानती हो क्या शहजादी शहरजाद और आबेहत को हासिल करना वो दोनों तो मेरे भाई सामरी जादूगर के कब्जे में है और उनका हासिल करना मौत को दावत देना है अगर आपकी नजर करम हो जाए तो मुश्किल आसान हो सकती है आदमजाद और परिसा हमारे हर में खास में आने का मकसद मेरी आंखों ने देखा अगर सामरी देख ले कि उसकी बहन सबसपरी का सर किसी आदमजात के सीने पे रखा है तो खड़ी खड़ी को जला दे हम पूछते हैं तुम किसकी इजाजत से यहाँ आई हो मैं अपने मुजरिम की तलाश में आई हूँ मुजरिम कौन मुजरिम मैं जब इसने मटक कर लचक कर कई डोरे डाले कई जाल बिछाए और मुर्गा फिर भी नहीं फंसा तो कहने लगी अंगूर खट्टे ओ तो ये आपसे मोहब्बत की भीख ही मांग चुकी है और जिससे तुम मोहब्बत की भीख मांग रही हो वो खुद एक भिखारी आवारा और चोरी की गरज से यहाँ आया अगर कुछ भी गलत है तो सामने आकर बात कर औरत को ढाल बनाकर बात करने वाले मैं तेरी चूड़ियां तोड़ दूंगा जा सामने की खिदमत में तस्लीम सदाबहार सरहद छोड़कर आने का मकसद एक आदमजात किसी की तलाश में यहाँ तक आ पहुंचा आदमजात और हमारी सरहद के अंदर वो मौत के जबड़ों में आने वाला बदनसीब कहाँ है आपकी बहन सबसपरी के हर में खास में सदाबहार ये तुमने क्या कह दिया मैंने जब अपनी आंखों से दोनों को तन्हाई में देखा तो सबसपरी मुझ पे बिगड़ी क्यों क्योंकि मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा आदमजात से मिलना तुम्हारे भाई को पसंद नहीं होगा तो बोली क्या बोली तो बोली मैं इस आदमजात पे अपने सात भाई कुर्बान कर सकती हूँ इतना बड़ा दिल है उसके सीने में तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा
फरिश्तान के दास्तान में कोई मरा नहीं होगा। ज्यादा आपकी बहन का नहीं बल्कि उस आदमजात का है जो शहजादी और आबेहयात को चुराने की गरज से यहाँ आया है। तुम कौन हो? आपका हमदर्द। और उस आदमजात का दुश्मन। अगर ये सच है तो हम तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी खुशी तो ये कि जो आदमजात परिस्तान में बद इरादे से आया वो जिंदा वापस न जाए। ऐसा ही होगा। सामरी के कान धोखा नहीं खाते। तुम्हारी ये जुर्रत सामरी से गद्दारी? ओ, तो सदाबहार आपको यहाँ लाई है? मैं इसे अपना हमदर्द समझता हूँ। इस आदमजात को मेरे हवाले कर दो। भाईजान, मुझसे वो मांगिए जो मैं दे सकूँ। सहा करता, अगर मांग लेता है तो उसे हासिल किया करता है। मैं भी आपकी बहन हूँ। दीवार बनोगी गिरा दूंगा। लेकिन फिर भी आदमजात तुम्हारे हवाले ना करूंगी। मैं तुम दोनों की मौत बन जाऊंगा। जानती हो परिस्तान में जब आदमजात के पांव आते हैं तो वो नापाक हो जाता है। और आप जब आदमजात लड़कियों को खिलाते हैं तो नापाक नहीं होता। सामरी के मुंह न लगो, इसे मेरे हवाले कर दो। हिम्मत वाले मांगा नहीं करते, छीन लिया करते हैं। आगे बढ़, मैं तुझे जहन्नम पहुंचा दूंगा। आंख जैसे तीर का मुकाबला नहीं कर सकती, आंधी में चिराग नहीं जल सकता, वैसे ही कोई भी आदमजात सामरी का मुकाबला नहीं कर सकता। आज तक तुम्हारा किसी आदमजात से वास्ता नहीं पड़ा। हाथी के पांव के नीचे चींटी खुद ब खुद चली आ रही है। खुदा बंदे इब्लीस। नहीं, नहीं भाई जान, मुझे रहम करो, मुझे रहम करो भाई जान। अगर सामरी से रहम चाहती हो तो तुम्हें हजरत सुलेमान की कसम देता हूँ कि कल इसे अपने हाथ से मेरे खुदाबंद इब्लीस को कुर्बान कर दो। आता है सामरी, भेजा से। जब से मली है तेरे डर की खाब, अरे संदल का लगाना छोड़ दिया, अरे संदल का लगाना छोड़ दिया, अरे संदल का लगाना। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? पहले सलाम तो कर लूँ, मैं एक परिजाद हूँ। तुम्हारे पर कहाँ है? मेरे पर सुनहरे थे, माल पानी खत्म हो गया, गिरवी रखा है। झूठ बोलते हो, तुम आदमजात हो। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम बिल्कुल आदमियत नहीं। खामोश। गिर जाओ इसे। शहजाद, मेरी सब उम्मीदें टूट गई। उम्मीदें टूट गई हैं तो परवाह नहीं, किस्मत के सितारे तो नहीं टूटे। मैं आया हूँ तो इंशाल्लाह तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। कोई है? ले जाओ इन्हें। जलाल, जलाल, दूर रहो, शैतान कमीने, दूर रहो। जलाल, छोड़ दे इन्हें। और अगर इन्हें नहीं छोड़ता तो मुझे छोड़ दे, फिर देखूं कैसे हाथ लगाता है। अरे तू ये हजार दास्तां बता, उस आदमजात को सामरी की कैसे कैसे रिहाई मिलेगी? चिराग में। बता, वो जादुई चिराग कहाँ है? हरम में, मुकद्दस बाबा के मजार पे हासिल है। मुकद्दस बाबा तस्लीम। एक परिजात को हमसे क्या काम? जिनको आपने आबे हयात की राह बताई थी वो दोनों मौत के मुंह में। सरकू और जलाल, मौत से कोई बशर किसी बशर को नहीं बचा सकता। अगर आपने मुझे ये चिराग बख्श दिया तो शायद सरकू और जलाल की मौत चल सकती है। मौत चल सकती है? अच्छा, अगर इस चिराग से दो जिंदगियां बच सकती हैं तो कारे सवाब है। तस्लीम।
दादी अम्मा आ गई। दादी अम्मा नहीं, नीलम परी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गई। मैं आप से इल्तिजा करता हूँ कि हमें यहाँ से छुड़ाइए, ताकि मैं सामरी जादूगर को मारकर आप रहना तो शहजादी दोनों को हासिल कर सकूँ। इसी गरज से तो आई, देखो क्या होता है। क्या हुक्म है मेरे आका? सामरी को खत्म कर दो। सामरी को खत्म करना मेरी ताकत से बाहर है, वो हमसे बहुत बड़ा है। तो फिर मुझे खत्म कर दो। जिस आदमजात ने मुझ पर एहसान करके मुझे कैद से रिहाई दिलाई है, वो आज मेरे सामने सामरी के हाथों से खत्म हो जाए, ऐसे जीने पर मैं लाना समझती हूँ। अगर आप एहसान का बदला एहसान से लौटा देना चाहती हैं, तो मैं सामरी की मौत का राज बतला सकता हूँ, मगर मुझे चिराग वापस कर आजादी का वादा करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो सुनिए, अगर कोई आदमजात लड़की आतशा पहाड़ में कूद जाएगी तो सामरी और उसका तिलस एक ही शोले के साथ तबाह हो जाएगा। शुक्रिया, लो अब तुम आजाद। आजादी! हाँ जलाल, माना जाए मैं आतिश विशा में गिरकर जान दे दूंगी और जलाल को बचा लूंगी। नहीं नहीं, मरना तो मुझे चाहिए, जिसके दिल में सिवा मरने के और कोई आरज़ू नहीं। तुम दोनों सलामत। चला ऐ पेपर को बर बख्शने वाले, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये कैद के ताले क्यों बंद है? और नगमा गा रही है बेखुदी, मौत है आबे हयाते जिंदगी। शाद तेरा शुक्रिया ए दिले ना, शाद तेरा शुक्रिया, कर दिया बर्बाद तेरा शुक्रिया शुक्रिया, ए दिले ना शाद तेरा शुक्रिया। सनम रोना नहीं,
बेचैन तुम हो ना नहीं, तू रहे आबाद बस इतनी दुआ, तू रहे आबाद बस इतनी दुआ। ए दिले ना शाद तेरा शुक्रिया, कर दिया बर्बाद तेरा शुक्रिया शुक्रिया। ऐ दिले ना शाद तेरा शुक्रिया। खुदा से कहो कि हम कभी न बिछड़ें। जिंदगी अगर बाकी है तो इंशाल्लाह मिलकर ही। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, न जाने अब्बा हुजूर और अम्मी जान को क्या गुजर रही है। अभी एक मुश्किल बाकी है, आबे हयात सब्ज परी की मदद से हासिल करना है। क्या वो तुम्हारी मदद करेगी? परी होकर शेर इंसानी दिल रखती है। तो आओ उसके पास चलो। जलाल, जलाल, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा? अरे अरे मुझे भी साथ लेते चलो। अरे भाई ओ आप हैं सबसे बड़ी जिनकी मेहरबानी हमारे लिए रहमत खुदावंदी से कम नहीं। आपने सूरत हो और दिल किसी फरिश्ते का पाया है। ज्यादा तारीफ न कीजिए, किसी ने सूरत पाई है तो किसी ने नसीब पाए है। मैं आप दोनों आपकी खुशनसीबी पे मुबारकबाद देती हूँ। खुशनसीब तो तब समझूंगा
जब आबे हयात पाऊंगा। ये भी आपके लिए नामुमकिन नहीं। आइए मेरे साथ। वो देखो, इन दो आदमखोर पहाड़ियों से अगर तुम बचकर निकल गए तो सामने एक हौज नजर आएगा जिसमें आब हयात कतरा कतरा टपक रहा है। उस बर्तन को उठाकर चले आना। जलाल, कितने मुबारक नसीब के मालिक हो, आपे हयात भी हासिल कर लिया। अब इसे हिफाजत से ले चलो, कहीं गिर गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये ढकना वक्त जरूरत उसी के हाथ से खुलेगा जिसने इसे हासिल किया है। भाईजान, भाईजान, मेरी झुकी हुई गर्दन आपसे माफी चाहती है। यकीन कीजिए कि मुझे सदा बहाने आपके खिलाफ भड़का दिया। आबे हयात और शहजादी से मेरा कोई वास्ता नहीं। खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जलाल, जिसे एक बार आजमा चुके हो दोबारा आजमाना हमाकत है, बुजदिली है, बेवकूफी है। मरने दो इसे यहीं। तो माफ कर देना, बेवकूफी नहीं, इंसानियत। जलाल, तुम जल्दी यहाँ से हलम पहुँच जाओ, तुम्हारे माँ बाप सब उलझन में है। लेकिन इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता हूँ मैं? गालीचे पे बैठ जाओ, जल्दी हलम पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी रहम दिली का मजाक उड़ाया है। हमने तुम्हारे बुढ़ापे तक तरस खाया, मगर अब तुम पे रहम दिखाना गुनाह है। सुल्तान आलम, दरिया उल्टे बह सकते हैं, सूरज रात को निकल सकता है, ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन ये नामुमकिन है कि जलाल अपने बाप से दगा करे। अगर वो जिंदा है तो जरूर आएगा। तुम एक दगाबाज बेटे के मक्कार बाप हो, क्यों ना तुम्हें सरेआम फांसी पे लटका दिया जाए। सुल्तान आलम, आप मुझे फांसी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे जलाल को दगाबाज और मुझे मकार नहीं कह सकते। जानते हो, तुम्हारी बेवफाई से शाह आलम की मौत हो रही है। जलाल जानता है कि वफा पे मरने वाले मरकर ही जिंदा रहते हैं। वो जरूर आएगा और शायद फिर मैं आपको शर्मिंदा कर दे। जलाल नहीं, अकील है। तकलीम अब्बा जान, लाए हो आबे हयात। कामयाबी का सेहरा बांध कर आया हूँ अब्बा जान। ये रहा आबे हयात और ये रही शहजादी शहरजाद। सब्ज परी, जलाल तुम जल्दी से इस पर बैठकर अपने घर पहुंच जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बख्श दीजिए, रहम कीजिए, करम कीजिए। जलाल,
जलाल। अपा जान आदाब। मेरे बेटे, मेरा जमीर कहता था कि मेरा मुसाफिर जरूर लौटेगा। अब आने से फायदा, आप हयात और शहजादी शहजाद को तो मैं लाया हूँ। आप हयात लाए हो तो अपने लिए थोड़ी सी शर्म भी ले आते। कौन लाया है? मैं लाया हूँ। अब्बा जान, ये बेचारा जागते में भी ख्वाब देखा करता है। मैं ख्वाब में जलील आदमियों की जबान भी खींच लेता हूँ। जहाँ बना, मैं सच कहती हूँ, आप हयात लाने वाला जलाली है और जलाली मुझे सामरी जादूगर की कैद से छुड़ा कर लाया है। सब परी तो अपने गुलफाम की ही तारीफ करेगी। तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। तमीज हम सिखाएंगे। मुजरिम हाजिर है, जमानती की जंजीरें उतार कर मुजरिम को पहना दी जाए। ये बेइंसाफी है। आप हयात में लाया हूँ, गिरफ्तार कर लो। बेटे की सूरत देखते ही झूठ सच से बदल गया। बड़ा ही लायक है वो बेटा जो अपने बाप के माथे पर लगी हुई स्याही को हमेशा के लिए खो दे। अब देर ना की जाए, इन्हें आबे हयात दिलाया जाए। ये ले, जल्दी कीजिए वरना साथी को बर्बाद कर जाएगी। जल्दी कीजिए, ये ढकना कैसे खुलेगा? ये ढकना कैसे खुलेगा? लाइए मैं खोल लेता हूँ। ये ढकना कैसे खुलेगा? दूर से लाया हूँ, शायद जंग लग गया है। ये उसी के हाथ से खुलेगा जो इसे लाया है। कौन हो तुम? मैं आबे हयात की मालिका हूँ। आबे हयात कौन लाया? जलाल, जिसे आपने दगाबाज और मक्कार कहकर तख्त आयदार पे ला खड़ा किया है। मक्क हो चुका, शहंशाह आजम के हुक्म की तामिल की जाए। ये जुल्म है, सरासर जाती है, नाइंसाफी है। ये बेइंसाफी है, ये जुल्म है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हें जल्दी महल में पहुंचना चाहिए। फिलहाल अगर आबे हयात तुम लाए हो तो इसे खोलो। हाँ जनाब, जल्दी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा। मरहबा, मरहबा। अब्बा जान। बेटा, शहजाद। जलाल, तुमने आबे हयात लाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये झूठा है। झूठे तुम हो। तुमने समझा जलाल इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए शहजादी शहजाद और आबे हयात को लेकर फरार हो गए। अकील, हमें अफसोस है, तुमने अपनी नालायकी से हमारी गर्दन झुका दी। काश कि हम ऐसे नालायक बेटे के बाप न होते। अब्बा जान। अकील, हम अपनी सल्तनत खुशी से वजीर कासम के बेटे जलाल के हवाले करते हैं। अब्बा जान, अगर आपने मेरा हक किसी दूसरे को दिया तो अच्छा ना होगा। क्या करोगे? आप जानते हो कि मैं दलील हूँ। माँ हो या बाप, बाप हो या खुदा, अपने हक के लिए सबसे टकरा जाऊंगा। इससे पहले कि तुम्हारे हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचे, हम तुम्हें मौत के हवाले कर देंगे। उमड़े जवानी की बातें भूल जा। मैं वो सांप हूँ जिसे डसता हूँ वो पानी तक नहीं मांगता। अगर तूने सल्तनत दुश्मन के हवाले की तो मैं तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। मेरी लाश पे से गुजर कर। शहजादे में वो लाठी हूँ जो सांपों को कुचल देती है। शर्मानी चाहिए आपको अपने वाले शहंशाह से इस तरह की बातें करते हुए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए सल्तनत, लेकिन मुझे तो चाहिए। Thank you.
जलाल, हम इनाम में अपनी तमाम हुकूमत तुम्हारे सुपुर्द करते हैं और वजीर कासिम से शर्मिंदा है जिसके लायक और बहादुर बेटे ने यह साबित कर दिया कि बेटा यूं खानदान का नाम रोशन किया करता है। अब हमें जलाल की शादी के बारे में आपसे राय लेनी है। आप अपनी राय फरमाइए, हम आपके साथ। लड़की तो मैंने पसंद कर ली। लड़की हमें पसंद है, अब लड़का हमें भी पसंद है और यही हमारी पसंद है।